तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आशिम और आप देख रहे हैं देसी आप। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। और गाइस आप पहले इंट्रो देखिए फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे से। देख लिया अभी भी भाई कुरा वगैरह लेने आए थे तो कुरा वगैरह भी दे दिया। तो अभी कुछ न्यू वगैरह सामान वगैरह मंगवाया है, बैल वगैरह साथ में क्या ये जो होती है विकेट्स वो भी मंगवाई हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस ये हमने न्यू बैग मंगवाया है, ऐसे तो नहीं होता है। नहीं नहीं गाइस ये न्यू बैग नहीं है, न्यू बैग ये अभी अभी लेके आए हैं भाई लोग, पता नहीं कहाँ से लेके आए, मेरे घर चेक जुमरा से लेके आए हैं। और ये सारा अंदर से बैग है, ये बैट बॉल का सारा इसका सारा सामान इसमें आएगा। और साथ में गाइस ये आप देख सकते हैं ये कुछ विकेट्स हैं, ये विकेट्स हैं, ये आप दिखाइएगा, ये भी विकेट्स हैं ये सारी, ये और ये उसके ऊपर रखने वाले इसको क्या कहते हैं व्हील्स गाइस ये। और बेहतरीन काम हो गया अभी पूरा, इस तो बार मैच है कि नहीं, इस तो बार मैच भी है गाइस, आपको मैच का भी पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे। और बाकी आपको ये सामान अच्छा लगा कि नहीं आप कमेंट करके बताइएगा, कितने कितने का होगा इसका, ये बैग कितने का होगा और ये विकेट्स वगैरह सारी। गाइस अभी ना ये इसमें से अच्छा अच्छा जो सामान है नया नया वो रखने हैं नए बैग में, इसको मैंने ही हैंग करके जाना करना है ग्राउंड में, मैंने इसके नीचे ही आ जाना करना। ये वाला सारा बैग रेडी हो चुका है, जितना सामान है अभी नहीं रेडी हुआ, बैट रहता है एक न्यू बैट, बिल्कुल न्यू बैट, न्यू बैग, न्यू विकेट्स है, क्या बात है। यहाँ पे बैट चलता है, इसका ये इसका सोल मोटा थोड़ा सा नहीं डल गया, बहुत सोखे हो गए फिट है, कौन डल जाएगा साइड से एक और साइड पे, बस ठीक है गाइस। ये तो फुल हैवी सीन हो गया, रिजमान जितना ही तो बैग है सारा। 15 मिनट्स लेटर आपको नहीं पता होगा मेरे 24 घंटे हाथ में मेरी वॉच ही रहती है, क्योंकि मैंने उसी हाथ से व्लॉग बनाना होता है। और आपको कैसे देख सकते हैं गाइस आप लोग, आज ना गाइस सुबह मैं स्कूल गया और जाकर मैंने टाइम देखा तो गाइस चली ना वॉच, और इसका इतना गंदा हाल हो चुका है आप देखिए, कि मैंने कभी इसको उतारा ही नहीं, चेक ही नहीं किया कि कितनी गंदी हो चुकी है। ये आप हाल चेक करें इसका, अभी गाइस इसका कोई हाल करता हूँ, इसको धोता हूँ अच्छी तरह, आप इसकी अभी कंडीशन देख सकते हैं और धोने के बाद ही आपको दिखाऊंगा। गाइस इसके पता नहीं अभी क्या ख़त्म हुआ है, सेल ख़त्म हो गया या फिर कुछ और मसला बन गया इसमें, मेरी ये पापा सऊदीया से लेके आए थे वॉच गाइस, काफ़ी देर से पहनी हुई, कितना गंदा हाल हुआ है। अब इसको मैं धोता हूँ फिर आपको इसकी आफ्टर कंडीशन दिखाता हूँ। मैंने सिंक में पानी जमा कर लिया है कुछ, और ये गाइस मैंने गरीबी डाल दी, अभी बस ब्रश फेरता हूँ अच्छी तरह इसको साफ करता हूँ। जब मैंने साड़ी धो ली है जब देख सकते हैं अच्छी तरह गाइस, मैंने जा रहा है इसमें से पानी वगैरह निकल गया, और गाइस अच्छी होगी अभी, काफ़ी बेहतर कंडीशन होगी इसकी। अब इसको रख देते हैं थोड़ी धूप में ताकि ये थोड़ी सूख वगैरह जाए, और अंदर अगर कोई मतलब कि सेल वगैरह का मसला होगा तो शायद थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। अभी जाने वाला हूँ मैं ग्राउंड में, ग्राउंड में क्योंकि आज फाइनल मैच था, फाइनली फाइनल मैच आ गया है 3 दिन लाड़ लगाने के बाद गाइस। कभी बारिश पड़ जाती थी जिसकी वजह से ग्राउंड ही था सूखता, और फलां फलां इस तरह गाइस होते रहे हैं कारनामे। और गाइस आज मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ और साथ में आपको दिखाता हूँ तैयारी वगैरह करते हैं। गाइस क्या करनी है, बस शूज़ वगैरह ही पहनने हैं बस, क्योंकि वैसे मैं चप्पल वगैरह जब भी पहन जाऊँ तो क्या फिरते रहना है मरासियों की तरह, और ऊपर मिट्टी वगैरह होती है तो फिर ना काफ़ी ज़्यादा जूते में मिट्टी वगैरह लग जाती है और बंदा मसली लगता है मसली। गाइस अभी शूज़ वगैरह पहन लिए, अभी जा रहा हूँ ग्राउंड में, ग्राउंड में जाकर आपसे मिलते हैं। गाइस अभी रनिंग करते करते घर से लेकर तकरीबन किलोमीटर पूरा भाग के आए हैं, और सांस भी फूल चुके हैं, पेट में दर्द भी काफ़ी शदीद हो रही है। अभी ग्राउंड में पहुँच चुके हैं, फाइनल मैच स्टार्ट है, अभी जाते हैं आपको चुड़चल दिखाते हैं। ये सारी आवाम फाइनल को देखने आई हुई है, यह सारा मैच वगैरह हो रहा है, और गाइस वो कुछ इनाम पड़े हुए हैं, ये ट्रॉफीज वगैरह पड़ी हुई हैं सब, अब फ्रंट से जाके दिखाते हैं गाइस। तो पहले खेली गई है बॉल, वापस फिर से ये शॉट होगी, और गाइस ये कुछ ट्रॉफीज वगैरह पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ 20 ट्रॉफीज हैं पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी टीम खेल रही है। अच्छी गेम का नजारा, ओपनर टीम है ढोलन वाला, उसके दो गोल हैं और हमारे गोल जीरो हैं,
और गाइज अभी अच्छा खेल रही है, काफ़ी टफ मुकाबला है, टफ नहीं है मेरे ख्याल से, वो जो जीत ही रहे हैं लेकिन अल्लाह खैर करेगा। ओपोनेंट टीम के चार गोल हो चुके हैं और हमारा एक हो चुका है, एक गाइज हमारा गोल हो चुका है और ये कुछ इनाम भरे हुए हैं सामने। चले उम्मीद ही रखते हैं शायद जीत जाएं। और गाइज हमारी टीम तो बिल्कुल फुल धूमधाम से हार चुकी है। उनके चार गोल थे और हमारा एक था बिल्कुल। अभी छोटी टीम का मैच लगा हुआ है बड़ी गड़तल से, अभी इनकी प्रोग्रेस देते हैं इनके क्या है, इनका क्या नतीजा है। गाइस अभी मुझे पता चला है कि एक हमारी बड़ी टीम हार चुकी है और ये अभी छोटी टीम का भी फाइनल हो रहा है, अभी देखते हैं पता नहीं क्या सीन करते हैं ये, इंशाल्लाह ये जीत जाएंगे। गाइस अभी ना ये सारे नाम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं जाके। इस तो बाद साढ़े लाख का रुपया बड़ा भरा गोड़ी उतान जी तैयारी हो बेस्ट टू बैक खान साहब साडे टूर्नामेंट नु कामयाब करने विच इस बंदे दा जिन्ना हाथ है किसे दा मिलेगा सारा काम ही इस बंदे दा खान साहब ने नाल फड़ा होगा अगे आ जाओगे फड़ा लेंगे ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਭਾਈ ਫੀਫਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ हमारे गांव की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और ये इनको कप वगैरह मिला है आप देख सकते देखे भी घर को जा रहे हैं ट्रॉफी लेकर फुल धूमधाम से जाते हैं। घर
गाइज जो बड़ी टीम थी ना वो मैच हार गई थी डोलनवाल से, और जो छोटी ग्राउंड की टीम थी मीडियम वाली तो वो ग्राउंड में लगे गर्तल बड़ी गर्तल से मैच जीत गए थे, जिसकी वजह से हमें भी ट्रॉफी मिली है। तो धूमधाम से लेके आए हैं, जैसे कि आप देख लिया होगा वीडियो में, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, तकरीबन 20 मिनट की बन गई है, और मैं इसको थोड़ी कट करके आपके तक पहुँचाऊँगा। और भी गाइज फ़ोन चार्जिंग भी लगाया, चार्जिंग बहुत लो थी, नहीं तो आगे मैंने वीडियो बनानी थी, नहीं तो फ़ोन बंद हो गया था जिसकी वजह से, नहीं तो मैंने और भी वीडियो बना लेनी थी। बाकी ना आपको आगे अपडेट देते हैं गाइज, इसके साथ करते हैं ब्लॉग एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो मिल सके और आप जिसके साथ हमारी हर वीडियो के साथ बने रहें और हमारी सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज़।